Hello students, in today's video we will discuss question number 2 from algebraic expressions and identities exercise 9.5. So question is, use the identity x plus a x plus b is equal to x square plus a plus b to x प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी दी है, मतलब एक फॉर्मूला मान लीजिए। ठीक है, क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को ध्यान में रख के हमें काम करना है, मतलब एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। इसी तरह से देखिए, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है इस आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिमिलर चीज़ क्या दिखेगी, जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सेम दिखेगा, जैसे एक्स एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, पहला टर्म यहाँ पे एक्स है। ठीक है, यहाँ पे चाहे एक्स है, यहाँ पे चाहे कुछ और भी लिखा होता ना, वो चीज़ें यहाँ पे यही होती है एक्स, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, पहली ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरी ब्रैकेट का पहला टर्म, दोनों सेम है, एक्स एक्स है कि नहीं, यहाँ पे भी एक्स एक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है कि जो यहाँ पे एक्स है वही यहाँ पर पहला टर्म है। ठीक है, जो यहाँ के पहले पहली ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरी ब्रैकेट का पहला टर्म सेम है। ठीक है, इसी तरह से अब हर क्वेश्चन में होगा। ठीक है, अब चाहे कोई भी देख लीजिए, जैसे अब मैं सेवन्थ देखो, देखिए एक्स वाई जेड दोनों दोनों सेम है कि नहीं, और यही आपकी आइडेंटिटी कह रही है। ठीक है, पहला टर्म पहले ब्रैकेट का, दूसरा टर्म दूसरी ब्रैकेट का सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टर्म है ना, पहली ब्रैकेट का दूसरा टर्म और दूसरी ब्रैकेट का दूसरा टर्म, दोनों डिफरेंट है। या जैसे देखिए, सेवन्थ माइनस माइनस फोर है, इधर माइनस टू है, और पहले क्वेश्चन में प्लस थ्री है एंड दूसरे में प्लस सेवन है। इसके बाद इसका फॉर्मूला बना के एक रिजल्ट जो निकलेगा, तो आप ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर कर दो ए प्लस बी कर दो इंटू एक्स कर दो फिर प्लस ए बी कर दो। ठीक है, बस इतना ही करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलते चलेंगे। ठीक है, क्या है इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो देखिए दोनों चीज़ें सेम है, एक्स एक्स, तो यहाँ पे हम यही चीज़ सेम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर ए प्लस बी दूसरा टर्म, दूसरा टर्म ए प्लस बी, यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है, थ्री प्लस सेवन, दूसरा दूसरा टर्म, फिर पहला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, हमारा भी एक्स ही है इसलिए एक्स लिख दिया, फिर और दोनों जो दूसरे दूसरे टर्म्स थे उनका मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री ए बी का मतलब यही होगा, ए बी थ्री इंटू सेवन। अब देखिए आपका आंसर आ गया, टेन एक्स प्लस सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन। ओके, ये हो गया। सेकंड देखते हैं अब इसी तरह से, फोर एक्स प्लस फाइव फोर एक्स माइनस वन। ओके, आइडेंटिटी के हिसाब से चलेंगे, पहला टर्म यहाँ पे 4x और दूसरे टर्म का भी पहला टर्म 4x, तो इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, प्लस दूसरा टर्म इसका, दूसरा टर्म इसका प्लस कर देंगे। ठीक है, 5 और जी देखिए यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अंदर जाके। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अब वैसे अंदर क्या लिखते हैं, फाइव प्लस बी लिखते ना, बी यहाँ पे माइनस वन है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख दिया, तो अब ये कि प्लस माइनस माइनस हो गया, तभी तो ये चीज़ आई है। ठीक है, फिर इंटू एक्स मतलब पहला टर्म, पहला टर्म क्या है, फोर एक्स, फिर प्लस करेंगे ए बी, ए बी का मल्टीप्लाई, प्लस करके ए बी का मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला टर्म और इसका दूसरा टर्म और दूसरी ब्रैकेट का दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई। ये याद रखिए, माइनस का, अगर आपने माइनस का ध्यान नहीं रखा ना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जिस तरह से मैंने देखिए यहाँ पे ध्यान दिया है कि यहाँ पे माइनस वन था, अगर यहाँ पे केवल वन लिख देता तो यहाँ पे पूरा आंसर चेंज हो जाता। अब फाइव में से वन गया, फोर 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 जै सिक्सटीन। ठीक है, फिर माइनस का फोर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड
अब तो चीजें इजी लग रही होंगी। ठीक है, 16x² हो जाएगा, फिर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस माइनस में दोनों, ठीक है, इंटू एक्स पहला वाला टर्म प्लस का ए बी माइनस 5 माइनस 1, ठीक है, 16x² माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन सिंबल आपका माइनस का ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई तो कर दूँ साथ में, बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, 6 4 24, ठीक है, माइनस में ही हो रहेगा, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और साइन भी आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वन, 4x + 5, 4x - 1, पहले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाले का, तो 16x² प्लस का ए प्लस बी 5 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, फिर 4x, फिर प्लस का ए बी आना है, ए बी के लिए याद रखिए माइनस में टर्म है, तो 16x² यहाँ पे 4 4 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, बस आपको आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी है, बाकी यहाँ पे प्लस माइनस ही चेंज किए हैं, सारा कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है अभी तक, तो बस यहाँ पे प्लस माइनस को आपको ध्यान में रखना है, चीज़ें सारी सेम ही है, ठीक है, ए प्लस बी 5y प्लस 3y पहला टर्म का मल्टीप्लाई प्लस ए 5y इंटू 3y, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8, 8 2 16 xy, ओके, फिर प्लस का 5 3 15 y² के मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके, सिक्स्थ, पहले टर्म का स्क्वायर 4 a की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, फिर 9 + 5 पहले टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a² प्लस ए बी बोले तो 9 × 5 4a की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 5 14, 14 2 28 a² प्लस 5 9 45, ठीक है, लास्ट वन xyz माइनस 4xyz माइनस 2, ठीक है, पहले टर्म का स्क्वायर x² y² z² प्लस ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे माइनस में हैं दोनों, ठीक है, इंटू एक्स एक्स वाई जेड प्लस का माइनस ए बी का मल्टीप्लाई है ना, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस तो माइनस का साइन रहेगा और 6 हो जाएगा, एक्स वाई जी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, और साइन यहाँ पे पहले किस का था, पॉजिटिव का था, अंदर वाला तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 8। सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।